नमस्कार, मैं हूं शशि राहुल वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बिजनेस मास्टर। हैरानी की बात यह है कि भारत में सबसे युवा रहते हैं और इससे भी चिंताजनक बात यह है कि जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है बेरोजगारी भी बढ़ रही है। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि कभी कभी हमारा दिमाग काम नहीं करता, हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, नौकरी करें या कोई रोजगार शुरू करें। नौकरी करें तो कैसे करें, प्राइवेट नौकरी में इतना पैसा नहीं मिलता है कि हमारे घर का खर्चा चल सके। तो वहीं रोजगार के लिए सबसे बड़ी समस्या आती है कि पैसे लाएं तो कहां से लाएं, कुछ जमा पूंजी है तो अगर उसको खर्च करें तो कहीं ऐसा ना हो कि ये भी पैसा चला जाए। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है तो आपके दिमाग को काम करने के लिए, उसके समस्या का समाधान करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है बिजनेस मास्टर मनोज कुमार चंद जी। उनसे मिलवाएंगे हम, क्योंकि थोड़ा सस्पेंस बरकरार रखते हैं। लेकिन उससे पहले देखते हैं हमारी रिपोर्ट कि जहां चार दोस्त रोजगार करने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन उनके सामने क्या समस्याएं आ रही हैं। पेश हमारी खास रिपोर्ट। जैसे जैसे पढ़ाई का स्तर सुधरा है वैसे ही बेरोजगारी भी बढ़ी है। युवाओं के मन में तमाम सवाल है क्यों ना अपना व्यवसाय शुरू किया जाए, लेकिन कैसे, कहीं सारी जमा पूंजी खत्म हो जाए, डूब ना जाए। हम में से अधिकांश लोगों ने कभी ना कभी अपना व्यवसाय आरंभ करने का सपना देखा है और हम में से कुछ ने भी सोचा होगा कि कौन सा काम चुने। हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए योजनाएं तो रोज बनाते हैं, लेकिन हर काम को करने से पहले एक सवाल अक्सर मन में उठता है कि कहीं ये बिजनेस डूब तो नहीं जाएगा। हमारे पास सर जो लिमिटेड स्पेस होता है, लिमिटेड मनी होता है, अगर लॉस हो जाएगा तो हमारा लिमिटेड स्पेस होता है, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हम इस चीज को बहुत कुछ देख के आगे बढ़ते हैं। सलीम, सुलेमान, शरीफ और राहुल चार दोस्त, चारों ने दिल्ली विश्वविद्यालय से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। चारों ने पढ़ाई के साथ साथ ही अपने काम का ख्वाब देखा था। यही उम्मीद थी कि पढ़ाई पूरी करने के बाद सपनों को पंख लगेंगे, लेकिन हर काम के साथ ये डर कि अगर नया काम शुरू किया और वो काम नहीं चला और सारी पूंजी डूब गई तो क्या होगा। सर, हम लोग युवा हैं और हमारे काफी सपने हैं, बट ये समझ नहीं आ रहा कि किस चीज का बिजनेस करें और किस चीज में हमारा नुकसान ना हो हमारी पूंजी का, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड पूंजी है और हम चाहते हैं कि वो हम अगर लगाएं तो उसका कुछ आउटकम अच्छा निकले, प्रॉफिट नहीं मिले हमारे को, इतना ही हमारा टारगेट है अभी तो स्टार्टिंग के लिए। मन में सवाल कई हैं, लेकिन सपने हैं कि पीछा नहीं छूटते, लेकिन एक बार हिम्मत करते रहे उठते हैं, पूरी प्लानिंग बनाई जाती है, अपना वक्त, ऊर्जा और अपने विचारों को विकसित करने और उन्हें एक सफल व्यवसाय मॉडल में तब्दील करने में लग जाते हैं। लेकिन फिर वही सवाल, वही डर, क्या सफल होंगे। ये आज के युवा हैं, सपनों का भारत यही बनाएंगे। सलीम, सुलेमान, शरीफ और राहुल, ये वो चार दोस्त हैं जो कहीं ना कहीं अपना एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन डर ये कि कहीं वो पूरी जमा पूंजी खत्म ना हो जाए, डूब ना जाए। अब ऐसे में मनोज चंद जी से इनके सवाल कि आखिर किस तरह से शुरू करें ये अपना एक व्यवसाय। तो ये सिर्फ चार दोस्तों की कहानी नहीं, न जाने कितने ऐसे युवा हैं जो सोचते तो हैं बिजनेस करें, उनके पास पूंजी भी होती है, लेकिन एक मन में डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पूंजी भी हमारी चली जाए और हाथ में हमारे कुछ ना आए। तो आप परेशान मत होइए, हमारे साथ बिजनेस मास्टर जुड़ चुके हैं मनोज कुमार चंद। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी, कई सारे सवाल हमारे पास आए हैं, हमने अपनी वेबसाइट दी थी, अपनी ईमेल आईडी दी थी हमने, और लेकिन जो उसकी समस्याएं हैं वो समाधान नहीं हो रही। एक एक सवाल मैं पूछूंगी जो हमारे पास आए दर्शकों से। एक दर्शक हैं, वो एनआरआई हैं, वो मुंबई में निवेश करना चाहते हैं, 25 लाख रुपए हैं उनके पास। बहुत तो उन्होंने विस्तार से तो नहीं लिखा है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करें जिससे उन्हें कुछ फायदा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ये जो नित्यानंद सिंह ने जो अपना प्रश्न रखा है, इसमें कहीं से यह नहीं मतलब पता चल रहा है कि अब व्यवसाय में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या अपने पैसे को मतलब बढ़ाने के लिए वो अन्य मतलब म्यूचुअल फंड या शेयर इन सबों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इससे पता नहीं चलता। बट मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि 25 लाख का अगर इनका इन्वेस्टमेंट है और क्या व्यवसाय करना चाहते हैं ये पता नहीं चल पा रहा है, तो अगर ये व्यवसाय करते हैं तो जितनी अपनी पूंजी है, जैसा कि अभी वो चार दोस्तों की भी जो कहानी मतलब सामने आई, कभी भी व्यवसाय करने के लिए अगर आप जाते हैं तो आप वही व्यवसाय चुनिए जिसके हिसाब से आपके पास पूंजी है।
उससे बड़ा व्यवसाय अगर आपने चुना तो निश्चित है आपके पैसे डूबने का चांस ज्यादा होता है। कभी भी कोई भी व्यवसाय अपनी पूंजी को तीन भागों में बांट दीजिए। पहला पूंजी तो आपका मार्केट में रहता है जो टर्नओवर में मतलब वो फंसा रहता है, दूसरी पूंजी आपके हाथ में होनी चाहिए और तीसरी पूंजी आपके दुकान में या आपका जो भी कारोबार है उसमें मतलब लगा होना चाहिए। तो तीन पूंजी की आवश्यकता हमेशा व्यवसाय में होती है। अगर आप अपने व्यवसाय को इस तरह से लेकर चलते हैं तो डूबने का चांस कम होता है। क्या होता है, लोग बड़े व्यवसाय तो कर लेते हैं, पूंजी उतनी होती नहीं है, पता ये चलता है कि उनका पैसा मार्केट में फंस गया और जिसके वजह से वो मतलब उनका व्यवसाय हैम्पर हो जाता है, वो लॉस करते हैं और फिर वह पैसे डूब जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा बहुत ही ख्याल करने की जरूरत है। अगर हमारे पास एक मतलब छोटा सा दुकान चलाने का अगर हमारे पास पूंजी है तो हम बल्कि यह सोचें कि हम उससे छोटे व्यवसाय करके और फिर हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ करके फिर हम व्यवसाय को अपने जगह पर लेके जाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग उनको छोटे व्यवसाय से ही करना चाहिए, जितनी पूंजी है उसी हिसाब से करना चाहिए। जी, हमारे स्क्रीन पे लगातार नंबर दिए जा रहे हैं, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। रोजगार से जुड़ी हुई कोई भी बात अगर आपके मन में है, परेशान कर रही है, समझ में नहीं आ रहा कि इसका समाधान क्या है, तो परेशान मत होइए, नंबर दिया जा रहा है हमारे स्क्रीन पे लगातार, आप उस पर फोन करके हमारे बिजनेस मास्टर से सवाल पूछ सकते हैं। एक कॉलर जुड़ चुके हैं, प्रदीप गुड़गांव से। प्रदीप कहिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? उनका फोन कट गया है। और भी कई सवाल हैं स्क्रीन पे लगातार नंबर दिए जा रहे हैं, आप नौकरी से जुड़े हुए या व्यवसाय से जुड़े हुए सवाल हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, जैसे कि हमारे बिजनेस मास्टर ने बताया कि जो पूंजी है आपके पास उसको तीन हिस्से में डिवाइड करिए तो आपका जो बिजनेस है उसमें नुकसान होने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि एक पूंजी आपके हाथ में रहती है। एक सवाल और है मेरे पास कि मेडिकल का छात्र हूं और पढ़ाई के बाद दोस्तों के साथ अस्पताल खोलना चाहता हूं, क्या करूं, ये पूछा है। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं और उनके पास तो हुनर है, मेडिकल के छात्र भी हैं, उनको इस लाइन में आने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी और उनको कर लेना चाहिए। इसके लिए अगर उनके पास पूंजी है तो ठीक है, नहीं भी अगर पूंजी है तो वह किसी को मतलब उसमें हॉस्पिटल में अपना पार्टनर भी रख सकते हैं। जी, तो अस्पताल खोलने के लिए क्या उनको कुछ लोन वोन की आवश्यकता तो होगी, क्योंकि लोन की आवश्यकता है तो लोन मिल जाएगा, इस पे तो बहुत तो व्हाइट लोन मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई समस्या किसी तरह की कोई। जी बिल्कुल। एक और सवाल है, उनका कहना है कि मेरा छोटा सा परिवार है और 5 लाख रुपए है मेरे पास, तो कोई ऐसा व्यवसाय बताइए, ऐसा व्यापार बताइए जिससे हमें रिस्क ना हो। किस तरह का व्यवसाय वो करना चाहते हैं? उन्होंने कहा उनको समझ में नहीं आ रहा, उनका कहना है सिर्फ 5 लाख रुपए है, क्या करूं मैं इस 5 लाख? नहीं नहीं, 5 लाख है लेकिन किस क्षेत्र में वो उनकी जो है महारत हासिल है, कौन सा क्षेत्र? यूपी के हैं ये, लखनऊ से राम प्रकाश। अब वो किस तरह के क्षेत्र मतलब ये में जाना चाहते हैं? अगर आजकल तमाम नई नई कॉलोनियां बन रही हैं उसमें डिपार्टमेंटल स्टोर खोल दें या कुछ इस तरह का कारोबार मतलब स्टार्ट कर दें छोटे पूंजी से कम उनकी आगे की इनकम भी मतलब अच्छी खासी बरकरार रहेगी और पूंजी भी डूबने का चांस बहुत कम होगा। जी, एक दर्शक जुड़ चुके हैं प्रदीप गुड़गांव से। प्रदीप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? हेलो जी, बोलिए प्रदीप जी। मैम वो मैं 12th पास आउट की हुई है तो मेरी कोई जॉब, मैं कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ तो सर कोई बता दे बढ़िया सा बिजनेस जो मैं कर सकूँ 5-7 लाख रुपए लगाकर। कितना आपके पास पूंजी? 5-7 लाख रुपए। 5-7 लाख रुपए, 12th पास किया आपने? हाँ जी। किस तरह का काम करना चाहते हैं? किसी कपड़े का या जूते का शोरूम या इस चीज का बिजनेस सर। देखिए, अब कपड़े में दो चीज है, या तो आप कपड़े मार्केट से खरीद के एक दुकान करके उसमें आप सेल कर सकते हो, या आप एक काम कर सकते हो एक रेडीमेड की छोटी सी होजरी लगा सकते हो जिसमें आप मतलब लोगों को रख करके और सिलाई करवा के मार्केट में सप्लाई कर सकते हो। ये दोनों कारोबार है, ये दोनों कारोबार आप के लिए उचित होगा, आप कर सकते हो। जी, तो ये दोनों कारोबार आपके लिए उचित होगा, ये कर सकते हैं, आपके पास जो जमा पूंजी है उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। लेकिन जैसा कि शुरू में ही कहा था मनोज जी ने कि आप अपनी पूंजी को तीन हिस्से में डिवाइड करिए ताकि समस्या ना आए आपके सामने। एक और प्रश्न है, उनका कहना है कि मैं छोटे स्तर पर एक प्लास्टिक की कंपनी की शुरुआत करना चाहता हूं, कितनी पूंजी इसके लिए चाहिए और व्यापार शुरू करने के लिए क्या करना होगा? देखिए, प्लास्टिक की का जो कारोबार है इसमें छोटे से लेकर बड़े तक बहुत मतलब कारोबार है, तो इसमें किस तरह की पूंजी उनके पास है उस तरह का
काम वो उनके द्वारा किया जा सकता है। प्लास्टिक में जैसे पॉलिथीन बनाने का हो गया या वो बक्से और डब्बे बनाने वाले भी हो गए, तो इसमें अलग अलग तरीके की अलग अलग पूंजी का मतलब लगता है। अगर 5 से 10 लाख की पूंजी है तो उन्हें एक बहुत अच्छा पॉलिथीन का कारखाना खोल लेना चाहिए जो कि उनको एक अच्छा रिटर्न देगा। जी बिल्कुल, तो आपकी समस्या का समाधान उम्मीद है कि हो गया होगा कि आप किस तरह से अपनी प्लास्टिक की कंपनी शुरू करना चाहते हैं। हमारे स्क्रीन पे लगातार नंबर दिए जा रहे हैं, अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमें बेझिझक कॉल करके पूछ सकते हैं कि किस तरह का बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। मनोज जी, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, आजकल बच्चे 10th और 12th पास करने के बाद उनको ये लगता है कि हम कमाई करना शुरू कर दें, लेकिन क्या हमारी शिक्षा इस तरह की हो पाती है उस तरह से कि 10 या 12वीं पास करने के बाद तुरंत हम रोजगार शुरू कर दें? माँ बाप भी पैसा नहीं लगाना चाहते क्योंकि उनको विश्वास नहीं होता अपने बच्चे पर, क्योंकि छोटी उम्र होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एकदम सही बात है। और सबसे बड़ी बात है, बिजनेस का कोई एकेडमी हमारे वहाँ नहीं खुल मतलब बहुत ज्यादा दिखाई देती है जहाँ से लोग बिजनेस के बारे में सीख करके और आए। डिग्रियां लेकर लोग आते हैं बट बिजनेस के बारे में नहीं जानते, और पारिवारिक बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं होता है कि वो बिजनेस घराने से है, और वह लोग जब बिजनेस के लिए जाते हैं तो उनकी जो जमा पूंजी होती है वह पूंजी उनकी चली जाती है क्योंकि उनको गाइडलाइन देने वाला कोई नहीं होता। जी बिल्कुल, तो ये इस तरह के लोग बिजनेस में अगर जाना चाह रहे हैं तो बहुत सोच समझ के जाएं और कहीं न कहीं किसी न किसी को बिजनेस गुरु मान करके ही मतलब उसमें कदम रखें, क्योंकि आने वाला समय जो कुछ दिन उनके लिए होगा वह थोड़ा सा बहुत ही क्रूशियल होगा, और फिर बाद में जब उनको अनुभव होना धीरे धीरे चालू होगा तो वो अपना मतलब बिजनेस को जमा सकते हैं। जी बिल्कुल, एक दर्शक जुड़ चुके हैं अदनान रांची से। अदनान पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? अदनान सुन पा रहे हैं आप? जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो हाँ पूछिए अदनान जी, आपकी आवाज आ रही है। अपनी टीवी की आवाज कम कर दीजिए आप। जी ऐसा है कि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है। किस चीज में? ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो उसमें एक हमें जॉब मिल रही है। ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट है। हाँ हाँ, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो इसे हमको एक बाहर जॉब मिल रहा है 12,000 रुपए की। मतलब डाटा एंट्री की जॉब में 12,000 की जॉब मिल रही है। हमें गांव से बिलोंग करते हैं और हम अपने गांव में ही रह के 12,000 कमा सकते हैं, तो बेहतर कहाँ रहेगा, वो जॉब करना या अपना बिजनेस करना? जी देखिए, दो तरह की बातें हैं। एक है कि अगर आप जॉब करते हो तो आपके पास रिस्क फैक्टर नहीं रहेगा, अगर आप अपना व्यवसाय करते हो तो आपके पास रिस्क फैक्टर रहेगा, प्लस आपको हमेशा टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करके रखना पड़ेगा। अगर आप अपने गांव में जॉब करना चाहते हो तो ग्रामीण चीजों को लेकर आप काम कर सकते हो, जैसे गांव में मतलब तमाम तरह का चीजें होती हैं, जैसे वो खाद वगैरह का भी दुकान होता है और भी बीज का दुकान होता है और भी तमाम तरह के मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर वगैरह भी होते हैं, छोटे छोटे रेडीमेड के कपड़ों के की भी दुकानें मतलब होती हैं, ये सब आप कर सकते हो। या गांव से संबंधित किसी चीज का उत्पादन भी करना चाहो तो उत्पादन भी आप कर सकते हो, बहुत सारी चीज गांव से हैं जो कि मतलब बन के शहर तक जाती है, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हो। लेकिन बिजनेस में जाओगे तो रिस्क होगा और आप नौकरी में जाओगे तो रिस्क नहीं होगा। जी ये कंफ्यूज हो रहे हैं वो कि 12,000 के लिए मैं बाहर जाऊं, मैं गांव से बिलोंग करता हूं या मैं गांव में ही रहूं, ये कंफ्यूजन है। तो ये कंफ्यूजन खुद दूर करनी होगी, आपको डिसीजन खुद लेना होगा। जैसा कि मनोज जी ने बताया कि बिजनेस आप करेंगे तो रिस्क ज्यादा रहेगा, अगर आपके अंदर रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो आप बिजनेस कर सकते हैं, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आपके लिए नौकरी ज्यादा बेहतर होगी। आपकी सभी समस्या का समाधान करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।